जानिए फुल टैंक कैपेसिटी को। इस श्रृंखला में दोस्तों आपका स्वागत है। पहले मैंने बनाया था स्विफ्ट डिजायर का, जिसमें 37 लीटर कैपेसिटी के अगेंस्ट 48.5 लीटर पेट्रोल आया था। यहाँ पर बुलेट स्टैंडर्ड मॉडल का बना रहे हैं, जिसमें गूगल पर क्लेम किया हुआ 13 लीटर, हमने उसको बुलेट को पूरा खाली कर लिया है और अब नाप से निकाल कर भरेंगे। मशीन से हम निकाल रहे हैं 15 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर नाप में निकालेंगे और 10 लीटर इस बाल्टी में, और फिर 5-5 लीटर करके डालेंगे और 1-1 लीटर करके डालेंगे उसके बाद में, तो हमें पूरा तथ्य पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 ग्राम का फर्क आएगा। बुलेट का हमने पूरा पेट्रोल खाली कर दिया है, तो हमें पूरी एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाएगी। पाँच लीटर का नाप भरा गया, बाल्टी में 10 लीटर डालेंगे तो टोटल इस तरह से 15 लीटर निकल जाएगा। पंद्रह लीटर निकाले दोस्तों हमने एक बाल्टी में और नाप में। इसे हम मशीन से दूर ले आकर करेंगे, क्योंकि सुरक्षा का सवाल रहता है, तो मशीन से हम काफ़ी दूर ले आ रहे हैं इसको। अब दोस्तों ये बुलेट है, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी नली निकाल कर दिखाना कि पूरी खाली है। ये नली है, इसमें तकरीबन पूरा पेट्रोल खाली हो चुका है, सिर्फ बूंद बूंद टपक रहा है, बूंद बूंद टपक, तो ये तो बूंद बूंद तो आता रहेगा, तो हम मानकर चलते हैं कि ये पूरा खाली है। टैंक लगा दीजिए वापस। इसे पहले 5 लीटर डाल देते हैं, कुप्पी कुप्पी ले देगा वेस्ट टैंक लो, कुप्पी आली तो नहीं, वही बोल रहा हूँ, अरे वो छोटी ले आओ, डाल दूँ आपको, थोड़ा सा लीकेज कर दो, कोई बात नहीं, आंदो आंदो उसके साथ में आंदो। इसे दोस्तों हमें वस्तु से पता चल जाएगी। वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अधिकतर गाड़ियों में लिखा रहता है जो टैंक कैपेसिटी, और हकीकतन उससे काफ़ी ज़्यादा आता है, तो हालांकि ये टू व्हीलर में वेरिएशन कम होता है, लेकिन यह श्रृंखला है इसमें तकरीबन हर गाड़ी कवर होगी, तो हमें फैक्ट पता रहेगा, ज़्यादा आता है, बराबर आता है, कम आता है, हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि कंपनियाँ लिख देती हैं लेकिन वो सत्यापित नहीं रहता है, और इस बात को नापतोल के केंद्रीय विभाग ने भी स्वीकार किया है कि वह सत्यापित नहीं रहता है, एक अंदाजन रहता है, और वो अमूमन जितना बढ़ाना चाहिए उससे ज़्यादा लिखा रहता है। ज़्यादा इसलिए लिखा रहता है कि थोड़ी सी जगह वाष्पीकरण के लिए छोड़ देना चाहिए, अगर फुल टैंक तक गले गले भरते हम तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं रहता है, प्रेशर बनता है और उसमें कुछ दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक्चुअल स्थिति देखने के लिए आप थोड़ा सा लंबा वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको भी मन में संतोष रहेगा कि हकीकत क्या रहती है। ये 5 लीटर हो गया है, बाल्टी से 5 लीटर इसमें नाप में फिर निकाल लीजिए। लगा
मेरे स्टैंड पर ले लेते हैं। क्वालिटी से इसमें आपने निकाल लीजिए 5 लीटर। बराबर लीकेज तो नहीं? टोटल हमने 15 लीटर पेट्रोल लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। बंद है थोड़ा सा और। ये हो गया दोस्तों, एक 5 लीटर हम डाल चुके हैं, दूसरा 5 लीटर डाल रहे हैं। आराम से पूरा चले जाए ढोले में, क्योंकि जो जिज्ञासु जानने की इच्छा रखते हैं वो पूरा वीडियो देखेंगे, और ताकि हमेशा के लिए उनका बुलेट संबंधित प्रश्न का समाधान हो जाए और हमें भी वस्तुस्थिति पता चले। पेट्रोल के जितने कस्टमर हैं उन्हें ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, ताकि बुलेट को लेकर कभी विवाद की स्थिति किसी भी पंप पर पैदा ना हो। ऐसा दोस्तों एक केस पहले कोटा में हुआ था, राजस्थान के साउथ इंडिया में हुआ था। कार को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, और फिर मारुति कंपनी ने ये माना भी, उसका लेटर भी है लिखा हुआ कि जितना लिखा रहता है उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोल आता है। लेकिन तब तक विवाद तो हो चुका था दोस्तों, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है तो कंपनी का लिखा हुआ लोग सत्य मानते हैं कि इतना ही पेट्रोल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो सजेस्टेड पेट्रोल रहता है। और दूसरी बात दोस्तों, किसी भी गाड़ी की टंकी सत्यापित नहीं रहती। सत्यापित अर्थात जैसे हमारे 5 लीटर का नाप सत्यापित है नापतोल विभाग से, हमारी मशीन सत्यापित है नापतोल विभाग से, तो ऐसे जो टैंक होता है गाड़ी का, ये कहीं पर भी सत्यापित नहीं होता है। कंपनी वाले बनाते हैं खुद कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन सत्यापन नहीं कराते हैं, और यहीं पर दोस्तों सारे कन्फ्यूजन चालू होते हैं। चाहिए तो है कि कंपनी वाले ये भी लिखे कि इतना हमने लिखा है और इसको अगर पूरा भर लेंगे गले गले तक तो इतना पेट्रोल आएगा, और यह भी लिखें कि गले गले तक भरना नहीं चाहिए इसको, और गाड़ी बेचते समय कस्टमर को यह चीज़ बताएं विशेष तौर पर। बेचारा कस्टमर तो लिखे ऊपर भरोसा करेगा, तो फिर पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति पैदा होती है। ये दोस्तों टोटल हमने 10 लीटर डाल दिया है, अब आप एक एक लीटर से डालिए। उसमें ले लीजिए 2-3 लीटर, उससे निकाल लीजिए 5 लीटर से। उसमें बाल्टी से डायरेक्ट छोटा ले लेंगे, ढूंढेंगे शाम से करेंगे, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, सेफ्टी वाला मैटर है। ठीक है, जगह साइड में ना जगह। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन आपकी सारी शंकाओं कुशंकाओं का समाधान हो जाएगा, और साथ में हमें पता चल जाएगा वस्तुस्थिति क्या होती है। फिर बुलेट 350 स्टैंडर्ड मॉडल को लेकर कभी कोई समस्या नहीं खड़ी होती। हालांकि बुलेट के इस मॉडल में इस तरह का वेरिएशन नहीं आता है, और कभी किसी ग्राहक ने इस तरह की शिकायत नहीं करी है। एक एक लीटर के नाप से डालिए। ये सारे नाप सत्यापित है, इसमें नापतोल विभाग की सील लगी हुई है। उनके विभाग में स्टैंडर्ड नाप होता है, तो उससे नाप कर इसको मिलाते हैं, उसके बाद ही सील लगाते हैं।
इसका लिखित में सर्टिफिकेट भी होता है छोटे नाम बड़े नाम का, जो दो साल तक वैलिड रहता है। ये दोस्तों 11 लीटर हो चुका है। ग्राम हो रहा था, कोई बात नहीं। ये 12 लीटर आ चुका है दोस्तों। ये 13 लीटर हो जाएगा। और देखिए 1 लीटर आ जाएगा इसको। 13 लीटर हो चुका है दोस्तों, और जितनी कैपेसिटी कंपनी ने क्लेम करी थी। गूगल पर भी आपको बुलेट 350 स्टैंडर्ड मॉडल के 13 लीटर ही दिखा है, और जिनकी बुलेट है वो बोल रहे कि 1 लीटर और आ सकता है। देखिए हम देख लेते हैं, बस स्थिति पता चल जाएगी। ढाई सौ ग्राम डाल कर वो डेंसिटी का जार उठा कर लेना। 250 ग्राम वाले डेंसिटी का, इधर इधर और 14 लीटर आ चुका है दोस्तों। इसमें 5 लीटर के 2 नाप और 1 लीटर के 4 नाप। अब हम ये डेंसिटी का जार है, ये 250 ग्राम का है नीचे से लेकर, तो हम डाल के देखेंगे जो बच जाएगा उसमें से लेस कर देंगे। मतलब जो लिखा था कैपेसिटी उससे 1 लीटर ज़्यादा आ चुका है दोस्तों। ये 250 ग्राम भरा हमने पूरा, ये 14.25 लीटर आ चुका है, और ये पूरा गले गले तक भर गया है। मतलब दोस्तों आपके सामने वस्तु स्थिति स्पष्ट है, कंपनी ने लिखा था 13 लीटर और उसमें 14.25 लीटर आ चुका है। वीडियो लंबा था, आपको देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहे, नमस्कार।